हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब तक हम सब सोलर स्टार एपिसोड 117 को देख चुके हैं और इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। और फिलहाल चैनल का रीच काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कम बैक करने का टाइम आ गया है, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। इसलिए मुझे सारे लोग सीरीज रिकमेंड करो, जिस सीरीज की ज्यादा डिमांड होगी मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। पर फिलहाल कंटेंट के लिए हमारे पास दो प्रीव्यू है, सोलर स्टार एपिसोड 118 और 119। तो चलो इसे देखते हैं। ओके, तो पहले फास्ट फॉरवर्ड करके पिछले एपिसोड को रिकैप करते हैं ताकि प्रीव्यू प्रीवियस एपिसोड से कनेक्ट हो जाए। तो अब तक हमने देखा सारे लोग नेचुरल ओर को कलेक्ट करके कैसल के पास गैदर हुए थे, जहाँ पे सबसे पहले लुओ फैंग और ब्रोलिन ट्रेजर एक्सचेंज करने जाते हैं। लुओ फैंग मिस्टर वू से काफी पोलाइट वे में बात करता है और यहाँ पे मुझे सही लगा कि मिस्टर वू ने ब्रोलिन के एटीट्यूड को बस एक झटके में खत्म कर दिए। ब्रोलिन को वेट करना पड़ा जिससे वो क्रिस्टल बॉल के फर्स्ट पासवर्ड को अचीव नहीं कर पाई। फर्स्ट पासवर्ड को किसी दूसरे बंदे ने पहले ही एक्सचेंज कर लिया था। ये सुनकर ब्रोलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर से पहले ही डील करके आई है कि वो अपने ग्रैंडफादर को क्रिस्टल बॉल देगी और बदले में उसके ग्रैंडफादर, ताकि वो अपने भाई को डिफीट करके वो अपनी फैमिली का क्वीन बन जाए। मतलब कि विलन लोग यह सच में बुरे होते हैं, क्योंकि ब्रोलिन क्वीन बनने के लिए अपने भाई को डिफीट करना चाहती है। बस वो चाहती है कि उसकी फैमिली का थ्रोन उसके पास आ जाए और ऐसा करने के लिए ब्रोलिन को किसी भी हाल में क्रिस्टल बॉल के फर्स्ट पासवर्ड को अचीव करना होगा। सेकेंड पासवर्ड को तो वो रिडीम कर चुकी है। आगे वो गुसी को सारी चीजें इन्फॉर्म करती है और अब सारे लोग लुओफेंग पे शक कर रहे थे क्योंकि कैसल से सबसे पहले लुओफेंग बाहर आता है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी उस पर अटैक नहीं कर सकता था। जैसे ही सारे लोग डिस्पर्स होते हैं, इंपीरियल मार्शल फोर्स, नो अलायंसन फैमिली के बंदे और बाहु आर्मी तीनों अलायंस फॉर्म करके लुओफेंग का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पे वो सारे बंदे लुओफेंग की टीम पे लेजर अटैक कर रहे थे। शुरुआत में तो लुओफेंग और उसकी टीम अपने स्पीड को बढ़ाकर किसी तरह से उस लेजर अटैक से बच जाते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि आगे जाकर लुओफेंग की टीम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब उसका बचना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। फिर एक साथ सारे लोग उस पे लेजर अटैक करते हैं। लुओफेंग घबरा जाता है कि आखिर वो इस लेजर अटैक से कैसे बचेगा, क्योंकि ये लेजर अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन कि ये लेजर गन यूनिवर्स लेवल बंदे को भी बड़ी आसानी से किल कर सकता है, और लुओफेंग तो स्टार लेवल पे है। पर तभी बवाद अपना कमाल दिखाती है, फौरन ही वहाँ स्पेसशिप अपीयर होता है और ये स्पेसशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ये लेवल 9 का स्पेसशिप है। इस पे लेजर गन का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। अब सारे लोग फौरन ये स्पेसशिप के अंदर जाना चाहते थे, पर तभी दोबारा से उन पे लेजर अटैक होता है और इसी बीच जैसे ताइनेन दिखता है कि लुओफेंग खतरे में है, वो फौरन ही लुओफेंग को बचाने जाता है और लुओफेंग को बचाने के चक्कर में वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। बस लुओफेंग को बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। यार, लुओफेंग कभी भी अपने स्लेव को स्लेव नहीं समझता था और देखो उनके स्लेव कितना ज्यादा लॉयल है, वो उनके लिए जान भी दे दिए। और एक और बात, लुओफेंग कुछ देर पहले ही ताइनेन और रोगू का बायोचिप डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ताइनेन अपने स्लेव फॉर्म में नहीं मरा, उसे आजादी मिल चुकी थी, पर फिर भी वो बंदा लुओफेंग के साथ काफी ज्यादा लॉयल रहा। अब इसके बाद लुओफेंग का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो डायरेक्टली गोसी पे अटैक करने जाता है, पर इसी मौके में मास्टर होंग अपनी डोमेन और मोइन वन का यूज करके लुओफेंग को बचा लेते हैं। इधर ओगू भी काफी ज्यादा सीरियस इंजर हो जाता है। बवाता उसे यूनिवर्स क्रिस्टल से हील करती है और सारे लोग ताइनेन को मिस कर रहे थे। दूसरी ओर ब्रोलिन गोसी को इन्फॉर्म करती है कि अब लुओफेंग को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि बिलोंग सिटी का एक बंदा फर्स्ट पासवर्ड को एक्सचेंज किया था, तो तुम सब उसे पकड़ो। ये सुनकर नो लेंसन और बाओ टावर का वो बंदा दोनों डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उनका मेन मकसद तो बस लुओफेंग को किल करना है, पर ब्रोलिन का टारगेट है कि वो पहले फर्स्ट पासवर्ड को अचीव करे। इसलिए वन दोनों से कहती है कि सबसे पहले तुम मेरी हेल्प करो और पासवर्ड मिलने के बाद मैं लुओफेंग को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो ये थी रिकैप। अब प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओफेंग कल्टीवेशन कर रहा था। मास्टर होंग और ओगू उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। इधर गोसी लगातार बिलोंग सिटी के बंदे को ढूंढ रहा था जिसने फर्स्ट पासवर्ड को एक्सचेंज किया है। फिर हम देखते हैं इंपीरियल मार्शल आर्ट के सारे बंदे गाया पे अटैक करने जाते हैं और गाया लुओफेंग को याद करने लगती है। वो कहती है, लुओफेंग मुझे बचा लो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाया ही फर्स्ट पासवर्ड को अचीव की है क्योंकि गाया बिलोंग सिटी से बिलोंग करती है और इंपीरियल मार्शल फोर्स के बंदे उस पे अटैक करने जा रहे हैं। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो जाएंगे। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे लुओफेंग गाया को बचाएगा और कैसे वो सभी से ताइनेन का बदला लेगा। फिर हम मास्टर ली सिन और बबाता को देखते हैं। आई थिंक ये दूसरे मिशन पे लगे हैं, शायद से ये गाया को बचाने जा रहे हैं। फिर गोसी गाया से कहता है, तुम अपनी सारी ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। गाया को पकड़ने के बाद वो सारे बंदे लुओफेंग को ढूंढने लगते हैं। ब्रोलिन पूछती है लुओफेंग कहाँ है। अब सारे लोग लुओफेंग की तलाश में है। इधर नो लेंसन दोबारा से ब्रोलिन के पास अपीयर होता है। फिर हम देखते हैं सारे लोग इंपीरियल मार्शल फोर्स के बंदे, नो लेंसन आर्मी और बाहो टीम के बंदे, सारे लोग एक साथ लुओफेंग पे अटैक करने जाते हैं। बवाता तो काफी ज्यादा घबरा जाता, वो कहती है अगर हम इस बार हार गए तो हमारा खेल खत्म। और लुओफेंग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर होंग, ओगू और मास्टर ली सिन है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफी ज्यादा फाइटिंग सीन दिख सकता है।
है और यकीन मानो ये फाइटिंग सीन काफी ज्यादा शानदार होंगे, क्योंकि इस बार लुओफेंग का गुस्सा टॉप पे है। वो बदले की चाह में है, वो बस उनको किल करके ताइनिन का बदले लेना चाहता है। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं गेस कर सकता हूँ कि यहाँ लुओफेंग फ्रूट ऑफ लाइफ का यूज करके कल्टीवेशन कर रहा था। वो मोयुनवान को फ्रूट ऑफ लाइफ खाने देगा और बवादा तो हमें पहले ही बता चुकी है कि फ्रूट ऑफ लाइफ काफी ज्यादा वैल्यूएबल फ्रूट है। अगर एक बार मोयुनवान इसे खा लेती है तो इसे मोयुनवान काफी खतरनाक ट्रांसफॉर्म करेगा। मोयुनवान इसे खाने के बाद यूनिवर्स लेवल को अचीव कर लेगा। एंट्रेस में यूनिवर्स लेवल को अचीव करने के बाद मोयुनवान सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। आई होप कि लुओफेंग बस मोयुनवान का यूज करके उन सारे बंदे को किल कर दे। और मैं सही हूँ, इस बार मोयुनवान फ्रूट ऑफ लाइफ कंज्यूम करके यूनिवर्स लेवल को अचीव कर लेती है। फिर लुओफेंग उसे फाइट में यूज करता है। जैसे ही गुसी मोयुनवान को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, इतने कम टाइम में लुओफेंग का मोयुनवान इतना ज्यादा इम्प्रूव कैसे हो सकता है। तो एक प्रीव्यू यहाँ पे खत्म होती है, पर मुझे एक चाइनीज सर्वर से थोड़ा सा मोयुनवान का फाइटिंग सीन मिला, आप इसे देखो। एंड यार, इस सीन को देखने के बाद मैं तो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि सच में मोयुनवान काफी ज्यादा खतरनाक ट्रांसफॉर्म हुई है। इवन कि वहाँ के सारे बंदे लेजर गन से लुओफेंग पे अटैक करते हैं, पर लुओफेंग उनको बस मोयुनवान से ही रोक लेता है और मोयुनवान को उस लेजर गन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और सेटिस्फेक्शन तो तब मिली जब लुओफेंग मोयुनवान से बायो टावर के बंदे को किल करता है। पिछले 3 एपिसोड से ये बंदा लुओफेंग को स्पाइक कर रहा था, हर बार लुओफेंग के पीछे पड़ा था, इस बार लुओफेंग ने उसे निपटा दिया। फिर लुओफेंग मोयुनवान की मदद से सारे लोगों को किल करने लगता है। अब देखते हैं एपिसोड 119 का प्रीव्यू। ये हम दोनों के लिए न्यू है, क्योंकि यार मैं अभी नोवेल रीड नहीं कर रहा, तो चलो देखते हैं, उतना गेज नहीं कर पाएंगे बट मजा आएगा। तो ये प्रीव्यू स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ब्रोलिन अपने सारी टीम को ऑर्डर देती है और सारी टीम मिलकर लुओफेंग के स्पेसशिप पे लेजर गन से अटैक करते हैं। अब यहाँ पे लुओफेंग का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। गुस्से में लुओफेंग कहता है मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, और शायद से वो गुस्से में आकर गोल्डन बीस फॉर्म को एक्टिव करना चाहता है। वो अपने गोल्डन बीस फॉर्म आना चाहता है, पर बवाता उसे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम यहाँ पे ऐसा करोगे तो सारे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक गोल्डन बीस्ट हो, और एक बार किसी को पता चल गया कि तुम गोल्डन बीस्ट हो तो फिर नोअर एंसन का मकसद यह है कि वो गोल्डन बीस्ट को पकड़े, और जैसे ये बात यूनिवर्स में फैलेगी तो फिर सारे लोग अर्थ को छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा बचना पॉसिबल ही नहीं है। अब हमें आगे पता चलेगा क्या सच में लुओफेंग अपने गोल्डन बीस्ट फॉर्म में आएगा या नहीं। और लगातार लुओफेंग की टीम उन सभी बंदों से फाइट कर रहे थे। इसी दौरान एक बार फिर से एल्डर ग्रेव ब्रोलिन से कहते हैं ब्रोलिन तुम्हें याद है ना, हमारा मेन टारगेट क्रिस्टल बॉल है, अगर तुम क्रिस्टल बॉल को हासिल नहीं कर पाई तो फिर हमारा प्लान खराब हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं लुओफेंग की पूरी टीम को, सारे लोग चारों तरफ से घेर चुके हैं। और इसी के साथ दोनों प्रीव्यू और वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।